दोस्तों स्वागत है चैनल का और एक वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो वैकेंसी निकला है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का। इसका डिफरेंट पोस्ट सब निकला है तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जो पहला पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 का है, जिसमें आपका 170 पोस्ट है और ऑन रिजर्व का उसमें है 56 है। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो है वो इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI और एनी इक्विवेलेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का है। और उसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर का है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसमें मांगा हुई ग्रेजुएट मांगा है फ्रॉम ए रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा जो निकला है दोस्तों वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 24 पोस्ट है और उसमें ऑन रिजर्व का है 10 है और बाकी एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें आपको यूनिक्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडो NT सब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, माने एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसका क्वालिफिकेशन जो मांगा है सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट, सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम विथ PGDCA, सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री वो लेवल कोर्स होना चाहिए। तो मोटा मोटी इसमें आपको सेकेंड क्लास का बैचलर डिग्री प्लस कंप्यूटर का जो भी है सर्टिफिकेट आपका होगा PGDCA होगा वो लेवल होगा वो सब चाहिए। और आपको टाइपिंग में आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। तो इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में। उसके बाद निकला है असिस्टेंट प्रोग्रामर, जिसमें आपको 3 पोस्ट है और उसमें भी आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए प्लस MCA MSc BBTEC का वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो असिस्टेंट प्रोग्रामर है ना उसमें आपको प्रोफेशनल कोर्स चाहिए होगा MCA MSc BBTEC। और यहाँ पे बोला है कि अगर आपका बैचलर डिग्री है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ए लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो PGDCA होना चाहिए। लेकिन प्रिफरेंस यहाँ पे जो MCA MSc BBTEC हुआ उनको ही मिल पाएगा। उसके बाद जो निकला है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 2 पोस्ट है, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी वही वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BBTEC डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, जो 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है वही होना चाहिए और विंडो NT ओरेकल ये सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो बैचलर डिग्री तो होगा, उसके अलावा आपको बी लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और MCA MSc डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अगर आप BBTEC किए हैं तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं होने से भी चलेगा। अगर बैचलर डिग्री किए हैं तो उसके अलावा बी लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का जो कोर्स होता है। उसके बाद निकला है हार्डवेयर इंजीनियर का, उसमें 2 पोस्ट निकला है, इसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BBTEC कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। एक्चुअली जो हार्डवेयर इंजीनियर है उसमें आपको प्रोफेशनल कोर्स ही लगेगा, इसमें ग्रेजुएशन का कुछ नहीं है। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, IT का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट निकला है, वो 1 पोस्ट निकला है। इसमें MEMTEC डिग्री कंप्यूटर साइंस में मांगा है, सी लेवल ऑफ कंप्यूटर मांगा है, BBTEC किए हैं तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और MCA MSc किए हैं भी तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये है रजिस्ट्रार का। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसमें 2 पोस्ट निकला है। कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी हुई आपका सॉफ्टवेयर में नॉलेज होना चाहिए, यूनिक्स सॉफ्टवेयर विंडो NT ओरेकल उसमें। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है BBTEC डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री किए हैं तो बी लेवल का आपका कोर्स होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। MCA किए हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद निकला है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जिसमें है 5 पोस्ट है, ये कॉमन है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इसमें होना चाहिए आपका, 5 पोस्ट है ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन। उसके बाद है लाइब्रेरी असिस्टेंट, एक पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए। तो 2 है लाइब्रेरी का। ट्रांसलेटर का है 8 पोस्ट इसमें, उसके बाद है ट्रांसलेटर का है 8 पोस्ट, इसमें मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो ट्रांसलेटर का है मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री आप इंग्लिश में कर चुके होंगे तो बेटर होगा। अगर लॉ ग्रेजुएट हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो मोटा मोटी इतना ही पोस्ट है। यहाँ पे जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, तीनों ही है। तो इसमें जो एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स
और अपर एज लिमिट 40 ईयर्स मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के अगर आप रेसिडेंट हैं तो। बाकी लोगों का 21 to 30 ईयर्स है। वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स ज़्यादा है, तो वही है। बाकी रिजर्व कैटेगरी का जो रहता है SC/ST लोगों का, वो इसमें है। तो वही है दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके बारे में अगर आप आगे जानना चाहते हैं, उसका जो प्रोसीजर है अप्लाई, आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट का है www.cgvyapam.choice.gov.in। देखिए यहाँ पे है www.cgvyapam.choice.gov.in। इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 13/11 से शुरू हुआ है 2/12/2018 का इसका लास्ट डेट है। तो आप एक बार जाके देख लीजिए, अगर आपका वाजिब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का है तो देखेंगे, तो एक तरफ से अच्छा पोस्ट है और एग्ज़ाम सब दिसंबर जनवरी उसी में टाइम में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, लेटेस्ट कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो यहाँ पे अपडेट करते रहूँगा आपको। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।